हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा मन बहुत हो रहा था पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। और ठंड बहुत थी और ठंड की वजह से प्लांट्स भी मेरे काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा, मैंने कुछ मंगा रखा था अमेज़ॉन से, तो मैंने वो मतलब उसको पॉट में लगाना था। मैंने इसे सीड मंगा रखी थी ऑक्सालिस का, ये आप देख रहे हैं, ये तो मेरा पुराना है सारा, एक ही कलर का है, ये पिंक अंदर इसके येलो। अभी क्या हो गया, शाम हो गई है ना, तो ये फ्लावर्स बंद हो जाते हैं और धूप में ये खिल जाते हैं पूरे, और ये फ्लावरिंग इसकी हो भी चुकी है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा देना है। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मैंने ऑक्सालिस का एक और कलर मंगा रखा था, बहुत प्यारा कलर वो होता है, पर्पल सा होता है, देखा होगा शायद आप लोगों ने। और ये तो मेरा सारा पिंक है, ये मैंने परचेज़ नहीं किया था, मेरा काफ़ी पुराना है, एक साल पुराना, एक दो साल, तो ये मैंने लिया था, आंटी है हमारे एक, तो उनसे मैंने मांगा था। तो ये तो मेरा फ्री का है, जो मैं मंगा रखी हूँ वो ये है, ये देखिए फ्रेंड्स ऑक्सालिस। और ये इनके यहाँ से मैं, ये है राधा कृष्ण एग्रीकल्चर, इनके यहाँ से मैं अक्सर मंगाती रहती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस होता है यहाँ से मंगाने का, सीड भी काफ़ी अच्छे होते हैं। नरगिस के भी मैंने यहीं से मंगाया था, और ये भी, और एडेलियम के भी, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मुझे हेल्दी सीड या प्लांट मुझे मिल जाता है। तो अगर आपको मंगाना होगा तो ये मैं काफ़ी पास से दिखा देती हूँ, इनके फ़ोन नंबर हैं, तो आप यहाँ से अमेज़ॉन पे जा कर के आप मंगा सकते हैं। अब मैं ये काफ़ी टाइम से मेरा रखा हुआ था, मैं लगा नहीं पा रही थी, इसको मैंने लगाना है क्योंकि इसके सीज़न शुरू हो चुके हैं, तो बहुत सर्दियों में तो ये नहीं खिलता। हाँ, ये फैब मार्च ऐसे स्टार्टिंग हो जाती, तो अब फैब से और ज़्यादा खिलेगा, क्योंकि अब जनवरी एंड हो चुका है, तो स्टार्टिंग हो गई है इनकी फ्लावर की, देखिए एक दो और ये कलियाँ भी हैं इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे ये भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने मंगा रखा था ऑक्सालिस का, तो मैंने सोचा कि इसको लगाती हूँ अब। तो ये मैंने बहुत छोटे से, मेरा ये ग्लास है, अभी मैंने इसमें ही लगाना है क्योंकि सीड है, तो बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। और ये सिंपल मिट्टी है, ऐसा कुछ मतलब कि कोकोपीट या ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि ये ग्लास में मेरे मिट्टी है, बस सिंपल सी, अपने ही इन्हीं गमलों से मैंने निकाला है और इसमें मैंने डाल दिया है। तो मैंने ये दिखाना है, ये ऑक्सालिस, और ये मुझे मिला है 270 का, ये मुझे मिला सीड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि हालांकि मेरे पास था ये कलर, वो अलग कलर है और ये अलग, एक्चुअली हाथ मेरा फूल, वो नहीं, ये मेरा खुल नहीं पा रहा, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि खुल जाए। काफ़ी इसमें पैक, अच्छी पैकिंग करके ये भेजते हैं, अभी जैसे आया था वैसे ही मैंने इसको रख दिया था, मैंने खोला ही नहीं था इसको, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि ये मेरा खुल नहीं पा रहा। ये देखिए फाइनली पैकेट खुल गया, सॉरी फ्रेंड्स। ये देखिए ये सीड है, चार पांच हैं, आपको दिख रहा होगा, ये है, ये भी इसमें मैं लगा रखी थी सीड, मैंने लगाया था मतलब आंटी से लिया था मैंने, और ये काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाते हैं और इनके नीचे सीड बनते रहते हैं, और इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, काफ़ी घना हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। फ्लावर तो इनके अच्छे ही लगते हैं, इनकी पत्तियां भी, अभी ये बहुत सर्दी से इसकी हालत देखिए कैसे हो रखे हैं, तो अब ये सही हो रहा है, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, और इनको अब काफ़ी फ्लावर करेंगे मार्च अप्रैल में तक। फिर बहुत गर्मियों में क्या होता है कि ये पूरा सूख जाता है, फिर हम इनमें ऐसे ही छोड़ देते हैं और ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर इनका सीज़न आता है विंटर से स्टार्टिंग, इनमें फिर लीव्स आने लगती हैं, तो इनके ऐसे ही प्रोसेसिंग चलती रहती है, तो इनको मैं इधर से उधर नहीं करती हूँ। तो ये अब मैं सीड लगाती हूँ इसकी,
ये देखिए, देखते हैं कैसी सीड है ये। अब बाकी तो अच्छे आ चुके हैं मेरे पास, अब ये लगा के देखते हैं। ऑक्सालिस, ये कलर इसका बहुत प्यारा होता है, तो इनको मैं ऐसे चार पांच, इन्होंने दिया है मुझे 270 का, क्योंकि इसके प्लांट ही काफ़ी महंगे आते हैं, 400 500 600 ऐसे ही आते हैं। मैंने सोचा लाओ ये डिफरेंट कलर है, लगा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे लगा दिया है और बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ अंदर डीप में नहीं डालना है इनको, बस ऐसे हल्के हल्के इनको मैंने ये ऐसे कवर कर देना, बहुत ज़रा ज़रा सा। और मिट्टी काफ़ी गीली है, मतलब तो काफ़ी बारिश थी, मेरे बहुत पौधे भी ख़राब हो रखे, तो इनमें मैं ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, बस मैंने ऐसे स्प्रे कर देना है। और मैंने इनको इन्हीं के पास ऐसे थोड़ा शेड के नीचे, बस मतलब ऐसी कोई धूप की ज़रूरत अभी इसको नहीं है, क्योंकि इसमें जब थोड़ी सी स्प्राउटिंग हो जाएगी तो मैंने इसको फिर धूप में रखना, क्योंकि ये धूप में काफ़ी अच्छा चलता है और बहुत सारे फ्लावरिंग करता है फिर ये। अब जब इनके स्प्राउटिंग शुरू होगी या और बड़े प्लांट्स बन जाएंगे या इनके लीव्स निकलेंगे, तो मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूँगी फ्रेंड्स। ओके बाय बाय। ये छोटा सा एक अपडेट था, काफ़ी टाइम हो गया था ये रखे मंगाए हुए, मैं लगा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी कुछ सही लगा तो मैंने सोचा ये काम अब कर देते हैं, वरना इसका सीज़न चला जाएगा और मैं प्लांट नहीं लगा पाऊँगी। ये तो मेरे पास था ही, तो ये छोटी सी वीडियो है, इसका अपडेट दूँगी जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ओके, ये कैसी लगी मेरी वीडियो आपको, इसको आप ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय बाय।